इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपके सेहत के लिए, आपके मालूमात के लिए मज़ामीन पेश करती है। स्मोकिंग के बारे में हम काफ़ी मज़ामीन और आपको मालूमात पहुंचा चुके हैं, मगर वक्फा वक्फे से साथ, क्योंकि ये आदत जो है बहुत ही मुश्किल से छूटती है, तो इसके बारे में हम मज़ीद मालूमात देना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि नौजवान सिगरेट नोशों में निकोटीन के नशे की आदत पहली बार सिगरेट का कश लगाने के तकरीबन एक साल के अंदर ही पुख्ता हो जाती है? पाकिस्तान में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जिन मुल्कों में सिगरेट की ख़रीदारी पर 18 साल की उम्र की पाबंदी है, वहाँ अक्सर बच्चे अपनी उम्र को पहुँचने से पहले ही या औसतन 12 से 13 साल की उम्र में ही निकोटीन के आदि हो जाते हैं। अगर कोई सिर्फ आधा पैकेट यानी औसतन 6 सिगरेट पी ले तो फिर उससे बचने की कोशिश करें, तो इसमें तर्क नशा की अलामतें विड्रॉवल सिम्टम्स जाहिर होने लगती हैं, यानी कि इसमें एक कस्म की बेचैनी और हिजान देखने में आता है। दीगर अल्फाज में सिर्फ 6 सिगरेट सिर्फ सेहतमंद शख्स को निकोटीन की आदि बनाने के लिए काफ़ी है। सिगरेट नोशी की वजह से दिमाग के पैगंबर असाब में मुस्तकिल नौयत की तब्दीलियां रुनुमा हो जाती हैं। यही वजह है कि जो लोग एक बार सिगरेट पीने की लत में गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें निकोटीन का ऐसा नशा सवाल हो जाता है जिससे मुकम्मल तौर पर गुलू खलासी बहुत मुश्किल होती है। बरसों पहले सिगरेट छोड़ने वाले अफराद अगर बाद में कभी सिर्फ 1 सिगरेट भी सुलगा लें, तो 1 महीने के अंदर वो दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। देखा गया है कि ज़रा सी बेहतियाती से 80% साबिक सिगरेट नोश दोबारा इसी बद में मुबतला हो जाते हैं। वो लोग खुसूसन ख़वातीन जो हल्की निकोटीन वाले सिगरेट पीती हैं, वो ज़्यादा देर तक कश लेती हैं रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धुआं अंदर जज्ब करने की कोशिश करती हैं ताकि निकोटीन की मतलूबा मकदार हासिल हो सके। यही वजह है कि उनके फेफड़ों के किनारों पर रसोलियाँ बन जाती हैं और होठों के इर्द गिर्द लकीरें नुमायाँ हो जाती हैं। सिर्फ 5% सिगरेट नोश अपनी आदत तर्क करने के लिए रफाई तंजीमों से राबता करते हैं, बावजूद ये कि अगर वो किसी तरबियत याफ्ता मुशीर से सलाह मशवरा करें या निकोटीन की इल्लत पर काबू पाने से मुतालिक दवाएं इस्तेमाल करें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने का इम्कान होता है। तो इस हवाले से हमने आपको ये बताया कि ये क्या क्या मसाइल हो सकते हैं सिगरेट के पीने से और किस तरह इसको छुटकारा हासिल करना चाहिए। इसके छुटकारा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सही किस्म के काउंसलर्स के पास जाके और सिगरेट नोशी की आदत से छुटकारा पा सकते हैं।